नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल UPSC के साथ। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमदर्द स्टडी सर्किल की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि फ्री IAS कोचिंग ट्रस्ट चैरिटी है, जो कि इसका फॉर्म हर साल आता है। दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमदर्द स्टडी सर्किल का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका फॉर्म ऑनलाइन कब भरा जाएगा। दोस्तों इसलिए मैंने आपको ये नोटिफिकेशन लाया है, और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि हमदर्द स्टडी सर्किल फ्री IAS कोचिंग कराता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आप लोग जान जाए इसके बारे में कि देखिए हमदर्द स्टडी सर्किल जो है आपको एक चैरिटी है, ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि यहाँ पे आपको फ्री IAS कोचिंग दिया जाता है। UPSC के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपको फ्री IAS कोचिंग करवाया जाता है पूरे कंप्लीट एक साल के लिए, ठीक है। 10 महीने के लिए आपको करवाया जाता है, जो कि आपको चला जाता है इसको, जो आपको जो रन किया जाता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू इसको चलाया जाता है, जो कि आपको ये दिल्ली में आपको है। और इसमें देखिए कौन कौन से लोग इसमें जो आप लोग आ सकते हैं, जो कि माइनॉरिटीज हैं, SC ST एंड वोमेंस, ठीक है, जो कि सोशली इकोनॉमिकली एंड डिप्रेस क्लास हैं, काफ़ी पुअर हैं, गरीब हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए सोशली इकोनॉमिकली एंड डिप्रेस क्लासेज। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ लोग कमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनॉरिटी SC ST एंड वोमेन, जनरल के लिए नहीं है क्या सर? देखिए यहाँ पे दोस्तों ये आपको माइनॉरिटीज़ के लिए है, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा गया है कि जो लोग गरीब है, पुअरेस्ट है, डिजर्विंग है, उनको आपको मतलब रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन कुछ लोग जनरल में भी, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जनरल में भी काफ़ी मतलब डिप्रेस है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, तो उनको भी आपको रिजर्वेशन देनी चाहिए। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ रिजर्वेशन को, क्योंकि अभी मोदी सरकार ने जो कैबिनेट जो रिजर्वेशन लाया था 10%, उसे अभी कंप्लीट तौर से इसको लागू नहीं किया है, अभी इसको मतलब ग्रीन सिग्नल इसको नहीं मिला है। तो जनरल में भी बहुत सारे ऐसे गरीब स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, जो कि SC ST के मुकाबले में आ चुके हैं वो लोग भी, ठीक है। तो एटलीस्ट इनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन इनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जनरल वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो फॉर्म आपका जो है, हर साल आपका फॉर्म आता है, जो कि इसका जो कोचिंग प्रोग्राम आपको किया जाएगा वो दिल्ली में आपको यहाँ पे है, दिल्ली में आपको कोचिंग प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है। और आइए देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। और यहाँ पे देख लीजिए जो दोस्तों इसका फॉर्म जो है, फॉर्म निकल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो इसका लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का है 10 जुलाई, 10 जुलाई से पहले पहले आप लोग दोस्तों फॉर्म भर लीजिए। 2019 के लिए है ये, 2019 और 20 के लिए है, आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए। बाकी जो इसमें जो कास्ट जो मैंने आपको बताया था, माइनॉरिटी SC ST एंड वोमेंस की, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा माइनॉरिटीज़ में कौन कौन से लोग आते हैं, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। तो माइनॉरिटीज़ में 6 कास्ट आते हैं, पहला मुस्लिम्स, ठीक है, दूसरा बुद्धिज़्म, तीसरा क्रिश्चियंस, चौथा आपको है जैन, और पाँचवा आपका है जोरेस्ट्रियम, और छठा जो आपका है इसमें वो आपको आ जाएगा सिख, ठीक है। ये लोग 6 जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये सारे लोग इसमें आपको माइनॉरिटीज में आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका है सिंपल ग्रेजुएशन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप किए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि 10th वाले भर सकते हैं, 12th वाले भर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है 10th एंड 12th स्टैंडर्ड आर नॉट अलाउड, ठीक है। 10th 12th वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इसको आपको इंतजार करना होगा, आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन करनी होगी तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपको मिनिमम एज, इसमें देख लीजिए जो एज आपको बताया गया है, मिनिमम एज इसमें आपको देखिए इसमें दिया गया है वो है आपका मिनिमम जो 21 है, मैक्सिमम जो इसमें आपको है 30 है, ठीक है। टोटल जो सीट्स इसमें दोस्तों हैं 60, टोटल सीट्स इसमें आपको 60 हैं। अगर आपको टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड बच्चे मिल रहे हैं तो हो सकता है आपको सीट बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, आपको कितनी अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में जा रही है, टेस्ट में। कोचिंग जो ड्यूरेशन आपको दिए जाएंगे इसमें पूरे एक साल के लिए दिए जाएंगे, जो कि 10 महीने कह सकते हैं, 10 मंथ के लिए आपको इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि आपको सारा आपको प्रीलिम्स मेंस आपको इंटरव्यू सबको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अब भाई इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए इसमें देखिए दोस्तों 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। जो दोनों पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ईच पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टिक मारने वाले होंगे, टिक मारिएगा वहाँ पे ABCD करके आपको वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे तो आपको टिक मारने वाला होगा। और दोस्तों यहाँ पे मीडियम आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। और जो पेपर 1 जो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए उसमें आपको GS होगा, GS में आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे आपको रहेंगे इसमें, जो कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। और जो टाइम इसमें दिया गया 2 आवर्स पेपर 1 के लिए, ठीक है। पेपर 2 दोस्तों होगा इसमें आपका ऑप्शनल होगा,
जिसमें आपको 120 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टिक मारने वाले, लिखने वाले नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, 300 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको 2 आवर्स टाइम दिए रहेंगे। मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे मैं आपको PDF दे दूंगा, ऑफिशियली PDF, आप उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद से आपके इंटरव्यू होंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, टोटल जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया ऑल ओवर इंडिया में, टोटल जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे सभी स्टेट में होंगे, जो मैक्सिमम जो दिया गया यहाँ पे सेंटर 24, आपको यहाँ पे स्टेट में आपको एग्ज़ाम होंगे 24 स्टेट, देख लीजिए यहाँ पे सेंटर है। और यहाँ पे अब बात करते हैं, मेन मुद्दा आती है फीस लगेंगे कि नहीं लगेंगे दोस्तों। देखिए फीस एंड डिपॉजिट के लिए आपको क्या करने होंगे, देखिए पैसा आपको कहाँ नहीं देने होंगे और कहाँ पे पैसा आपको देने होंगे। पहली बात, पैसा जहाँ नहीं आपको लगेंगे, जो आपको यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री कोचिंग जो आपको चलेंगे, जो कि आपको 10 महीने के लिए, वो आपको फ्री है। जो भी आपको मतलब कंप्लीट पैकेज पढ़ाया जाएगा वो फ्री है, स्टडी मटेरियल फ्री है, बुक्स फ्री मिलेंगे आपको, हॉस्टल फ्री मिलेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव गार्डियंस जितने सारे वहाँ पे जो टॉपर्स आएंगे, या आपको जितने सारे रिटायर IAS IPS हैं, वो सारे आपको यहाँ पे आकर के गाइड करेंगे। इतनी सारी चीज़ को आपको पैसे नहीं लगेंगे, सारे फ्री हैं। पैसे आप कहाँ लगेंगे, देखिए पैसे कहाँ पे लगेंगे, तो पहला पॉइंट इसमें आपका है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। जो सिक्योरिटी मनी होती है वो 500 रुपये आपको जमा करने होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, जो कि रिफंडेबल है, आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। कोचिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो आपको यहाँ से 500 रुपये आपको मिल जाएंगे आपके हाथ में। दूसरा जो आपको पैसा लगेंगे वो आपको है 800 रुपीज़ फॉर फूड चार्ज पर मंथ, ठीक है। आपको पर मंथ आपको 800 रुपये आपको खाने का पैसा आपको देने होंगे, सिर्फ 800 रुपये, ठीक है, बहुत कम है। देखा जाए तो 800 रुपये में आपको एक जीन्स आ जाता है, शूज आ जाते हैं, या आपको टी शर्ट आ जाता है, ठीक है। तो 800 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे है दूसरा पॉइंट जिसमें आप देख लीजिए, फिर आपको देने होंगे 800 रुपीज़ पर मंथ फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है। फिर आपको 800 रुपये और लगेंगे, 800 खाने पीने के लिए और 800 आपको है मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़ के लिए। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलेंगे, इसमें आपको वाईफाई मिलेंगे, ठीक है, 24 आवर वाईफाई। दूसरा इसमें आपको है कूलर मिलेंगे। तीसरा इसमें आपको है AC है। जितनी सारी जो फैसिलिटीज़ आपको मतलब लग्जरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको इसी में से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जो टोटल अगर मैं बात करूं कितने पैसे लगेंगे आपको पूरे एक साल के दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पे 800 रुपये लग रहे हैं पर मंथ। अगर 10 महीने की मैं बात करूं तो आपको 8000 हो रहे हैं, मतलब इसके खाने के लिए 8000 आपको हो रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, दोनों मिलाकर के दोस्तों 16000 हो रहे हैं 16K फॉर 10 मंथ के लिए। तो इतना आप दे सकते हैं एक साल के लिए, बहुत कम रकम है अगर देखा जाए तो। तो ये है दोस्तों, इसमें आपको जो फीस लगेंगे, पढ़ाई का कोई फीस नहीं है, हॉस्टले कोई फीस नहीं है, जो भी आपको उसमें बुक्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे, सारे फ्री हैं दोस्तों। अगर आपके पास कोई डाउट अगर है, कोई पूछना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम जो आपका जो हमदर्द स्टडी सर्किल जो है उसका एड्रेस दिया गया है, रात्रीय मार्ग ब्लॉक G तलीमाबाद संगम बिहार न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके नंबर भी है और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप मेल कर सकते हैं डायरेक्ट जाकर के, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ऑफिस में आपको लिंक दे दूंगा PDF का, वहाँ भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है, ठीक है। यहाँ पे अपना फुल नेम दे दीजिएगा, फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप मेल कीजिए, उसके बाद से आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी मैं जानकारी आपको दे दिया इसके बारे में, आपको हमदर्द स्टडी सर्किल के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लाने वाला हूँ कि फॉर्म को कैसे भरे जाए, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, ठीक है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म आ चुकी है ऑनलाइन, आप लोग फॉर्म भर के फ़ायदा उठा सकते हैं। दिल्ली में आपको फैसिलिटी सारा दिया जाएगा, कोचिंग वोचिंग, ठीक है। तो और कोई डाउट है, कोई आपको सजेशंस है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों फिर मिलते हैं फॉर्म के साथ, फॉर्म मैं आपको फिलअप करके बताऊंगा कैसे बनने हैं, ठीक है। तो आप इंतज़ार कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।